नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स का एक ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है WPL महिला प्रीमियर लीग। दोस्तों, WPL 2024 का फाइनल मैच 17 मार्च को हो चुका है, तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वह सभी मैं आपको इस क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया तो आपको इस टॉपिक से एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को। सबसे पहले हम WPL के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानेंगे, फिर इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग भारत में एक महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है। WPL का स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों, WPL का पहला संस्करण 2023 में आयोजित किया गया था और 2023 में विजेता रही थी दोस्तों मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर 2023 का खिताब अपने नाम किया था, ठीक है। दोस्तों, 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन 23 फरवरी से 17 मार्च तक किया गया था। इस बार की विजेता टीम है RCB, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। RCB की कप्तान है दोस्तों स्मृति मंधाना। उपविजेता टीम है दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स। RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दोस्तों यह खिताब अपने नाम किया है। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान है मैग लेनिंग, ठीक है। इस बार का 2024 का जो WPL है तो वह दोस्तों दूसरा संस्करण है। 2024 में दूसरे संस्करण में कुल 5 टीमों ने भाग लिया था, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है, ठीक है। तो RCB ने दोस्तों महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। किसे हराकर किया? तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने यह अपना पहला खिताब जीता है, ठीक है। चाहे दोस्तों वह मेंस टीम हो या फिर वुमेन्स टीम हो, ठीक है। और 16 साल बाद दोस्तों RCB ने यह खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो WPL 2024 का आयोजन दोस्तों भारत में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। फ्रेंड्स, WPL 2024 का जो आयोजन किया गया तो दो चरणों में किया गया था। पहले चरण में दोस्तों 23 फरवरी से 4 मार्च तक बेंगलुरु में 11 मैच खेले गए थे और दूसरे चरण में दोस्तों 5 मार्च से 17 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजन किया गया था और नई दिल्ली में भी दोस्तों 11 मैच खेले गए थे, ठीक है। दिल्ली का स्टेडियम था दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम और दोस्तों बेंगलुरु में है चिन्ना स्वामी स्टेडियम। इन दोनों स्टेडियम में दोस्तों मैच खेले गए थे, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, वर्ष 2024 में महिला प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण खेला गया? तो दोस्तों WPL का 2024 में दूसरा संस्करण खेला गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2024 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता है? तो WPL 2024 में ऑरेंज कैप दोस्तों एलिस पेरी ने जीता है। एलिस पेरिस RCB की खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो RCB जो टीम है उसकी खिलाड़ी हैं एलिस पेरी, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों ऑरेंज कैप जीता है। ऑरेंज कैप दोस्तों क्या होता है? जो दोस्तों पूरा टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप मिलता है, ठीक है। और वह दोस्तों ऑरेंज कैप विजेता होता है। फ्रेंड्स, एलिस पेरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2024 के WPL में ऑरेंज कैप जीता है। महिला प्रीमियर लीग 2024 में
नौ मैचों में इन्होंने कुल 341 रन बनाकर टॉप किया था। ठीक है, तो एलिस पेरी ने दोस्तों 2024 के संस्करण में 341 रन बनाए थे। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महिला प्रीमियर लीग 2024 में किस खिलाड़ी ने पर्पल कैप जीता है? तो ये जीता है दोस्तों श्रियंका पाटिल ने, जो कि दोस्तों आरसीबी की खिलाड़ी हैं। याद रखेगा कि पर्पल कैप जो जीता तो वह श्रियंका पाटिल ने जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की श्रियंका पाटिल ने महिला प्रीमियर लीग 2024 में सबसे ज़्यादा 13 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल किया है। पर्पल कैप किसे मिलता है? तो पर्पल कैप दोस्तों पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों कि 2024 के पूरे संस्करण में सर्वाधिक छक्के, सर्वाधिक चौके, अर्धशतक, स्कोर, ये सब दोस्तों किसने बनाए हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे सर्वाधिक छक्के। पूरे टूर्नामेंट में दोस्तों सर्वाधिक छक्के सैफाली वर्मा ने 20 लगाए हैं। सैफाली वर्मा दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक चौकों की बात करें तो यह दोस्तों मैक लेनिंग ने लगाए हैं, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी हैं। पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने 47 चौके लगाए हैं और यह दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान हैं। सर्वाधिक अर्धशतक की बात करें तो यह भी दोस्तों मैग लेनिंग ने लगाए 4 अर्धशतक। ठीक है, और दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक स्कोर जो बनाया, ठीक है, जो पर्सनल स्कोर होता है दोस्तों, तो वह दोस्तों हरमनप्रीत कौर ने बनाया था 95 रन और यह दोस्तों मुंबई इंडियंस की कप्तान हैं। सर्वाधिक विकेट जो लिए तो वह दोस्तों श्रियंका पाटिल ने लिए हैं 13 विकेट और यह दोस्तों आरसीबी की खिलाड़ी हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम सर्वाधिक मेडेंस। ठीक है, जो मेडेंस ओवर निकाले थे तो वह दोस्तों दो निकाले हैं। ठीक है, और किसने निकाले? ये मेरी जन्ने ने। ठीक है, तो याद रखेगा, और यह है दिल्ली कैपिटल्स की प्लेयर हैं। सर्वाधिक डॉट बॉल्स की बात करें तो यह दोस्तों सब नीम इस्माइल ने लिए हैं। ठीक है, और कितने डॉट बॉल? तो दोस्तों 97। ठीक है, तो पूरी लीग में 97 डॉट बॉल जो डाली तो वह दोस्तों सब नीम इस्माइल ने डाली थी और यह दोस्तों मुंबई इंडियंस की प्लेयर हैं। सर्वाधिक हैट्रिक की बात करें तो दीप्ति वर्मा ने दोस्तों एक हैट्रिक लगाई थी। हैट्रिक क्या होती है? जब दोस्तों तीन लगातार विकेट कोई प्लेयर ले लेता है तो वह दोस्तों हैट्रिक कहलाती है। तो पूरे लीग में एक हैट्रिक ली है, वह भी दोस्तों दीप्ति वर्मा ने। ठीक है, तो ये थी हमारी 2024 के संस्करण की बेसिक इन्फॉर्मेशन और यही आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 का शुभंकर मैस्कोट क्या था? ठीक है, तो मैस्कोट 2024 का क्या था दोस्तों? यह था शक्ति। ठीक है, तो शक्ति दोस्तों WPL 2024 का शुभंकर था। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 में पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द फाइनल का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों सैफाली वर्मा ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द फाइनल का जो अवार्ड जीता तो वह सैफाली वर्मा ने जीता है। अगला प्रश्न है कि महिला प्रीमियर लीग 2024 में पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों जॉर्जिया वेयरहेम। ठीक है, जॉर्जिया वेयरहेम ने दोस्तों पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीता है। सीजन का मतलब दोस्तों पूरी लीग में। ठीक है, और जो हमारा पिछला क्वेश्चन था तो वह था कि पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द फाइनल, मतलब फाइनल मैच की बात की गई थी उसमें, और इसमें बात की गई है पूरे सीजन की। तो ये जीता है जॉर्जिया वेयरहेम ने। ठीक है, दसवां प्रश्न है, महिला क्रिकेट इतिहास में एक ही T20 खेल में अर्धशतक और हैट्रिक दोनों बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। तो फ्रेंड्स, एक ही मैच में अर्धशतक और हैट्रिक दोनों बनाने वाली खिलाड़ी हैं दीप्ति वर्मा। ये क्वेश्चन हमने पीछे ही बताया था आपको कि दीप्ति वर्मा पूरे लीग में
एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने हैट्रिक ली थी, ठीक है, और इन्होंने दोस्तों इसी मैच में अर्धशतक भी बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो WPL का फाइनल मैच जो खेला गया तो वह दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में खेला गया है, ठीक है। शुरू में ही आपको बताया कि पूरी जो ये लीग खेली गई तो दो स्टेडियम में खेली गई है। इसका पहला जो पूरा एक चरण खेला गया तो वह दोस्तों चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया था, और दूसरे चरण के जो मैच हुए थे तो वह अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए थे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग 2024 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता है? फेयर प्ले अवार्ड जो जीता तो वह दोस्तों RCB ने जीता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है, मतलब पूरे एक मैच में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जो जीता तो वह दोस्तों सोफी मेलिन्स ने जीता है, जो कि RCB की प्लेयर हैं, ठीक है। सोफी मोलिंग्स जो है दोस्तों, इन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग 2024 के दूसरे संस्करण में कितनी टीमें शामिल हुई हैं? तो फ्रेंड्स, महिला प्रीमियर लीग 2024 के दूसरे संस्करण में कुल 5 टीमें शामिल हुई हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये 5 टीमें हैं दोस्तों, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, UP वॉरियर्स, गुजरात जॉइंट्स, ठीक है। इन 5 टीम के मालिक को देखें तो मुंबई इंडियंस के मालिक हैं नीता अंबानी, RCB के मालिक हैं DiGio, दिल्ली कैपिटल्स के मालिक हैं सज्जन जिंदल और मल्लिका अर्जुन, यूपी वॉरियर्स के मालिक हैं कापरी ग्लोबल, गुजरात जॉइंट्स के मालिक हैं अडानी समूह, ठीक है। तो ये 5 टीमें आपको याद रखनी है। 15वां प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में सबसे महंगी बिकने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों काश्वी गौतम। काश्वी गौतम महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में सबसे महंगी बिकने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, ठीक है। फ्रेंड्स, काश्वी गौतम को सबसे महंगा खरीदा गया। काश्वी गौतम गुजरात जॉइंट्स ने 2 करोड़ रुपए में अपने साथ रखा था। तो आप इनका प्राइस भी याद रखिएगा कि 2 करोड़ रुपए में गुजरात जॉइंट्स ने इन्हें खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2024 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है दोस्तों जेमिमा रोड्रिग्स ने, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2024 में बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जो जीता तो वह दोस्तों संजीवन सजना ने जीता है। संजीवन सजना MI की प्लेयर है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट जो जीता संजीवन सजना ने जीता है, ठीक है। 18वां प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 में पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ टूर्नामेंट का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ टूर्नामेंट का पुरस्कार जो जीता तो वह दोस्तों जॉर्जिया वेयरहैम ने जीता है। और पीछे पड़ा हमने पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ फाइनल मैच, ठीक है। तो उसमें फाइनल मैच की बात की गई थी, और इसमें जो बात की गई है तो यह पूरे टूर्नामेंट की बात की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो यह दोस्तों स्टार्टिंग में ही बताया था कि 23 फरवरी से 17 मार्च तक WPL का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, WPL 2024 में भाग लेने वाली 5 टीमें और उनके कप्तान, ठीक है। तो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं मैग लेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों उप विजेता टीम के कप्तान हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB के कप्तान हैं स्मृति मंधाना, ठीक है, और यह दोस्तों विजेता टीम है। यूपी वॉरियर्स, इसके कप्तान हैं एलिसा हिली। गुजरात जॉइंट्स, इसके कप्तान हैं वैद मुनी, ठीक है। मुंबई इंडियंस की बात करें तो इसके कप्तान हैं हरमनप्रीत कौर,
ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 20वां प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में सबसे महंगी बिकने वाली विदेशी महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, महिला प्रीमियर लीग WPL की नीलामी में सबसे महंगी बिकने वाली विदेशी खिलाड़ी बनी है अनावेल सदरलैंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। और ये भी दोस्तों 2 करोड़ में बिकी हैं। 21वां प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण की प्रायोजक कंपनी कौन सी है? तो इस बार के संस्करण की प्रायोजक कंपनी है टाटा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 22वां प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB को कुल कितनी राशि प्रदान की गई? तो ये राशि दी गई है दोस्तों 6 करोड़। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो जो विजेता टीम होती है उसे 6 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। उपविजेता टीम को दोस्तों इसका आधा मतलब 3 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। तो आप इसे मत देखिएगा, ये गलत है। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? तो दोस्तों ये मैच खेला गया था दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच। कभी कभी दोस्तों पहला मैच पूछ लिया जाता है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारी आज की इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आज का आपका होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि WPL 2024 किस टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2024 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक छक्के लगाए हैं? तो दोस्तों इसका भी आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2 क्वेश्चन दोस्तों आपको होमवर्क में दिए हैं, तो प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो को बनाने में, उसका डाटा कलेक्ट करने में काफ़ी मेहनत लगती है, समय लगता है दोस्तों, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।